तो जनाब ऑर्डर मिला मुझे एनिवर्सरी के केक का, और हार्ट शेप केक बनाना था। यहाँ पे मैंने लिया 7 इंच का मोल्ड, उसमें मैंने केक बेक करके रात को ही रख लिया था। क्रम कोट भी मैंने रात को ही कर लिया, और सोचा कि फाइनल फ्रॉस्टिंग फ्रेश ही करूँगी सुबह ताकि अच्छी लगे। तो सुबह जब मैं उठी हूँ तो तकरीबन लाइट गई रही है 3 घंटे, 3:30 बजे लाइट आई है और 5:30 बजे मुझे केक डिलीवर करना था। फिर लाइट आई है तो मैंने दौड़े लगाई किचन की तरफ, और फिर मैंने इस पर कर दी फाइनल फ्रॉस्टिंग। इस मरतबा मुझे इस हार्ट शेप ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया, वो इसलिए कि इसकी कुछ मुझे नीट लुक नहीं लग रही थी, बट समहाउ मैंने इसको किसी न किसी तरीके से नीट लुक दी, एक अच्छी सी लुक दे दी। कुछ क्रीम मसला कर रही थी, वेपे वेप क्रीम में कुछ इशू आ रहा है आजकल, बट खैर समहाउ मैंने इसको मैनेज कर ही लिया। इधर मैंने ले ली ब्लैक ब्लैक कलर, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ब्लैक कलर मैंने ऐड किया चॉकलेट में। और इधर मैंने कार्विंग कर ली, क्योंकि राइटिंग जो है उसमें मेरे से अक्सर ब्लंडर हो ही जाते हैं, अक्सर नहीं ज़्यादातर। तो मैंने सोचा कि रिस्क लेने से बेटर है कि मैं पहले इस पर कार्विंग कर लूँ। कार्विंग करने के बाद मैंने इस पर यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया हैप्पी एनिवर्सरी, और बहुत ही मैंने डरते डरते और अल्लाह का नाम लेकर बहुत सारी दुआएँ पढ़ के मैंने इस पर लिखना शुरू किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हाथ तो कांप रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाना है। बट शुक्र अल्लाह का कि थोड़ी इज्जत रह गई मेरी। उसके बाद यहाँ पे हार्ट मैंने बनाए हैं, और डिज़ाइन ये बहुत ही सिंपल सा था, बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन था। खैर ब्लंडर तो जो इस केक में हुआ है वो तो आपको भी थोड़ी देर बाद पता लगेगा। आपको अच्छे से ये भी पता है कि केक जो है वो मैंने 5:30 बजे डिलीवर करवाना था, और यहाँ पे तकरीबन 4:30 बज ही चुके थे और बिजली की वजह से। लेकिन खैर असली ब्लंडर अभी आप देखेंगे, तो मेरी तो खैर एक हल्की सी चीख निकली थी, आपकी भी निकल ना जाए, बट शुक्र अल्लाह का कि ये ब्लंडर मेरे से, जी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही मेरी भी चीख निकली थी, तो ये ब्लंडर मैंने समहाउ कवर कर लिया था। और ये रही केक की फाइनल लुक, बहुत ही सिंपल प्यारा सा केक, अच्छा सा केक लग रहा था। ये 2.5 पाउंड का केक है, और अगर आपने ऑर्डर प्लेस करवाना हो या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, या फिर यहीं पर कॉमेंट पर मुझे अपनी क्यूरी बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।